फ्रेंड्स, आज हम इस छोटे से वीडियो के अंदर 5 रुपए में सोल्डिंग आयरन बनाकर दिखाने वाले हैं। क्यों, विश्वास नहीं हो रहा है ना? अरे हो जाएगा भाई। तो हम इस सोल्डिंग आयरन को बनाने के लिए पेंसिल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, हमें इस पेंसिल को यहाँ तक पूरा छीलना पड़ेगा। तो ये लीजिए भाई, हमने इसे छीन लिया है। और इसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग ले लेंगे 2 स्प्रिंग और इस स्प्रिंग के हम लोग एक एक साइड पर एक एक वायर कनेक्ट कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हो, मैंने इन दोनों स्प्रिंग के ऊपर एक एक वायर कनेक्ट कर लिया है। और अब हम फ्रेंड्स, इन दोनों स्प्रिंग को इस पेंसिल का जो ग्रेफाइट है उसके ऊपर लगा देंगे। तो आप लोग देख सकते हो, मैंने इस स्प्रिंग को इस पेंसिल के ऊपर कुछ इस तरीके से लगा दिया है। तो अब फ्रेंड्स, हम लोग इस वायर के ऊपर कुछ इस तरीके का कनेक्टर लगा देंगे। फ्रेंड्स यार, ये हमारा 5 रुपए का सोल्डिंग आयरन बन के तैयार हो चुका है। और अब हम लोग इसकी टेस्टिंग करेंगे। वैसे इसको पावर देने के लिए जो 12 वोल्ट का एडाप्टर आता है, मैं इसका यूज करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स यार, 5 रुपए के सोल्डिंग आयरन की मदद से मैंने इस मोटर को और इस वायर को काफी अच्छे से सोल्डिंग कर दिया है। और ये हमारा 5 रुपए का सोल्डिंग आयरन काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।